होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि आपको पता है, द एनालिस्ट लेंस चैनल में हम बिजनेस एनालिस्ट के रिगार्डिंग वीडियोस डालते थे, डेटा एनालिस्ट के रिगार्डिंग क्या क्या हम एनालिसिस में आगे कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट टूल्स लाइक पाइथन, SQL, एक्सेल, पावर बी आई एंड ऑल। बट जैसे कि हमें आप सबसे इतना प्यार मिला और इतने सारे कमेंट्स जो हमें बताते हैं कि बेसिकली हमें और भी फील्ड्स में वीडियो बनानी चाहिए, जैसे कि वी गॉट मैनी कमेंट्स रिगार्डिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द CBSE बोर्ड, हरियाणा बोर्ड एंड ऑल। लाइक हमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे मिले जहाँ पर लोग जानना चाहते हैं कि CBSE के अपडेट्स कब आएंगे, क्या मेजर चेंजेस है इस बार हमारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, हमारे इंटरनल असेसमेंट के रिलेटेड, और इज देर एनी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपडेटेड इन द करेंट CBSE 2025 एग्ज़ाम। सो इसको अंदाजे में रखते हुए हमने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम बेसिकली जितने भी बोर्ड्स हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा तो हम आपको उस पर एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आपको बस हमारे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन रिगार्डिंग एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी, देन हम उसके अकॉर्डिंग आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हैप्पी छोटी दिवाली एंड लेट्स स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो इस वीडियो में हम बेसिकली मेजर चेंजेस जानेंगे जो हमारे CBSE बोर्ड में होंगे इस बार फॉर द एग्ज़ाम 2025। ये मेजर अपडेट्स बेसिकली हमारे इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल्स एंड द डेट ऑफ द CBSE एग्ज़ाम जो हमें आने वाली थी। सो हम ऑफिशियल वेबसाइट से सारे के सारा डेटा कन्फर्म करेंगे एक बार। सो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उनके साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी नीड है। थैंक यू। जो के लिए जो अपने क्लास 10th एंड 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में। सो बेसिकली इसमें CBSE ने मेजर अपडेट किया है रिगार्डिंग द इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट एंड द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। सो पहले बेसिकली होता था जैसे कि कभी कभी किसी बच्चे के गलत एग्ज़ाम में मार्क्स चढ़ जाते थे, कभी मार्क्स कम चढ़ जाते थे, तो इसके रिगार्डिंग उनको आगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी उनके फाइनल एग्जामिनेशन के मार्क्स में। सो बेसिकली CBSE ने इसमें अपडेट लाया है, जैसे कि हम डिफरेंट एग्जामिनेशन के मार्क्स देखेंगे, उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्लास 10th के, 12th के, और एक और मेजर अपडेट आया है हमारा विंटर बाउंड के लिए जिसमें हमारे बेसिकली प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने हैं। एंड देन हमारे पास एक और अपडेट आया है फॉर द इंटरनल असेसमेंट जो हमारे बेसिकली 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में होंगे, जनवरी एंड फरवरी बाई 2025। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं वन बाय वन विद दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बेसिकली सर्कुलर फ्रॉम द CBSE बोर्ड, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एज यू कैन सी दैट ये सर्कुलर अभी आया है 23/10/2024 को, लाइक 23 अक्टूबर को। सो ये बोलता है कि बेसिकली द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ और इंटरनल असेसमेंट फॉर क्लास 10th एंड 12th एंड द बोर्ड एनुअल थ्योरी एग्जामिनेशन आर शेड्यूल्ड टू स्टार्ट विद इफेक्ट ऑफ द 1st 2025 एंड द 15 February 2025। सो बेसिकली जितने भी हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे और इंटरनल असेसमेंट होंगे वो बेसिकली हमारे 1 January 2025 से लेके 15 February 2025 के बीच में होंगे। तो बेसिकली इसमें नीचे लिखा हुआ है कि बहुत से बार ऐसा होता था कि बेसिकली बच्चे के मार्क्स जो होते थे हमारे कम चढ़ जाते थे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी उसके ओवरऑल मार्क्स में। सो बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली और टीचर के इस प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए बेसिकली बहुत से चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि हमें अब बेसिकली क्लास डिटेल, सब्जेक्ट कोड, स्टूडेंट सब्जेक्ट नेम, मैक्सिमम थ्योरी एग्जामिनेशन, मैक्सिमम मार्क्स इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, मैक्सिमम मार्क्स प्रोजेक्ट असेसमेंट, मैक्सिमम मार्क्स इन इंटरनल असेसमेंट, ये सारी की सारी डिटेल सेपरेट बननी पड़ेगी फॉर द ईच स्टूडेंट। सो इसके दो फायदे हैं, एक बेसिकली जो भी स्टूडेंट्स की डिटेल होगी रिगार्डिंग द मार्क्स वो सेपरेट रहेगी, सेकेंड कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टूडेंट के ओवरऑल मार्क्स में, एंड द थर्ड द गाइडलाइन इज दैट मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू ईच स्टूडेंट इन इज 100 विद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग थ्योरी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एंड इंटरनल असेसमेंट कॉम्पोनेंट एज पर द डिटेल गिवन इन द नेस्ट। सो बेसिकली ये एक सर्कुलर था CBSE बोर्ड की तरफ से जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बेसिकली जो उनके पहले मार्क्स कहीं ना कहीं कट जाते थे या गलती की वजह से चढ़ नहीं पाते थे या फिर कम चढ़ जाते थे, तो इसके अकॉर्डिंग बेसिकली पूरा सर्कुलर बनेगा जिसमें स्टूडेंट्स की सारी डिटेल रहेगी, उसको कितने मार्क्स मिले हैं, वेदर इट्स इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, थ्योरी मार्क्स। सो आगे जाके जो स्टूडेंट्स का ओवरऑल मार्क्स बनेगा उसमें कोई भी बेसिकली मिसक्रिपेंसीज नहीं रहेंगी। नाउ मूविंग टू द सेकेंड सर्कुलर, बेसिकली जो हमारे CBSE बोर्ड ने अक्टूबर 10 को इशू किया था, सो इसमें आप देख सकते थे एज पर द प्रोविजन ऑफ एग्जामिनेशन बाय लॉ स्कीम ऑफ स्टडीज ऑफ द बोर्ड द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इंटरनल असेसमेंट फॉर द सेशन 2024 से 2025 आर शेड्यूल फ्रॉम 1st January फॉर एफिलेटेड स्कूल इन द इंडिया एंड एब्रॉड। सो बेसिकली जितने भी CBSE के
जितने भी स्कूल है जो CBSE बोर्ड के अंडर आते हैं उनके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हमारे 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि 1 जनवरी से लेकर 2025 से लेकर 15 फरवरी 2025 तक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन चलेंगे. अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इंटरनल असेसमेंट फॉर द सेशन 2024 to 2025 फॉर क्लासेस 10th and 12th फॉर विंटर बाउंड स्कूल विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 5 नवंबर 2025 to 5 दिसंबर. प्लीज़, सो बेसिकली जितने भी फाइनल एग्जामिनेशन, जितने भी हमारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो गए, IA हो गई, वो विंटर बाउंड स्कूल के लिए, जो बेसिकली सर्दियों में रहते हैं, जैसे कि बेसिकली डिफरेंट बोर्ड्स जो हमारे विंटरलैंड में पढ़ते हैं और जिनका CBSE बोर्ड है, उनके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हमारे 5 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में होंगे. सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर द विंटर बाउंड सेशन. नाउ मूविंग टू द क्लास 10th प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इंटरनल असेसमेंट एंड अदर सब्जेक्टिव्स. सो बेसिकली एज यू कैन सी हेयर दैट देर आर डिफरेंट सब्जेक्ट नेम एंड द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम, वेदर इज अ थ्योरी एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम. उसके रिगार्डिंग हमें इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स दिए हुए, मैक्सिमम्स कितने अलॉट हो सकते हैं, और उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनर अलॉट होगा या नहीं होगा, टाइप ऑफ एग्जाम लिखा हुआ है. सो बेसिकली ये बहुत सारी डिटेल है, सो आप इसको गो थ्रू कर लेना 1 by 1. मैं आपको इस वीडियो में सारी की सारी शीट्स दिखा देता हूँ. आप कहीं पे भी पॉज लेके इस वीडियो को आप सारी की सारी डिटेल देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग. सो बेसिकली ये डिटेल थी सब्जेक्ट वाइज फॉर द क्लास 10 स्टूडेंट्स. नाउ मूविंग टू द क्लास 12 स्टूडेंट्स ऑफ द CBSE बोर्ड. सो ये क्लास 12th के CBSE बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है. बेसिकली इसमें आप देख सकते हैं सेम है हमारा क्लास 10th एंड 12th का सब्जेक्टिव मैटर. सो बेसिकली इसमें हमारे पास सब्जेक्ट का नेम है, ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, प्रोजेक्ट में, इंटरनल असेसमेंट में, हमें उसके लिए प्रैक्टिकल एग्जामिनर अपॉइंट होगा या नहीं होगा, और अदर डिटेल्स. सो आप इस चीज़ को भी 1 by 1 देख सकते हैं वीडियो को पॉज लेके. आपको जहाँ पर भी प्रॉब्लम लगे आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिए, हम आपकी क्वेरी सॉल्व कर देंगे. सो ये थे हमारे मेजर अपडेट्स फॉर द CBSE बोर्ड स्टूडेंट्स ऑफ द 2025. सो बेसिकली ये अपडेट्स क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मेजर अपडेट्स हैं और उनके लिए काफ़ी ज़रूरी भी है ये चीज़ जानना, और रिगार्डिंग देयर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, इंटरनल असेसमेंट एंड अदर, जो उनके कहीं ना कहीं मार्क्स बचा सकते हैं आने वाले ओवरऑल एग्जामिनेशन में. सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको कनेक्ट करेंगे. एंड फॉर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद दोज हु नीड इट. थैंक यू.